हेलो फ्रेंड्स, मेरे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मशरूम दो प्याजा। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई गैस पर रख दी है, इसको गर्म करेंगे। 1 टेबलस्पून जितना सरसों का ऑयल लिया है मैंने, इसे गर्म होने देते हैं। ये मैंने पहले से ही पकाया हुआ है, इसे हमें ज़्यादा धुआं निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने जो खड़े मसाले लिए हैं उसमें है जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और एक तेज पत्ता। ये 2 साबुत मिर्च ली है लाल, और ये 2 टुकड़े दालचीनी के। तेल हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले मैंने जो ये प्याज है मैंने टुकड़ों में काटे हैं, बड़े बड़े टुकड़ों में। इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इसे हम ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे। इसे हमें क्रंची ही रखना है, ज़्यादा नहीं पकाना। इसे तेज आंच पर ही हम थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज को हमने ट्रांसपेरेंट होने तक पका लिया है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। तेल में मैं ये खड़े मसाले डाल दूंगी, इनको थोड़ा सा भूनेंगे। जो इलायची है उसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। ये मैंने 2 मीडियम आकार के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। ये जाएंगे इसमें। एक हरी मिर्च मैंने बारीक काटी है, उसे भी डाल देंगे। प्याज को हमने ब्राउन होने तक भून लिया है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। इसको भी भून लेंगे अच्छी तरह से। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने भून लिया है। अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, मैं यहाँ 1.5 चम्मच डाल रही हूँ छोटा। और ये 1/2 टीस्पून में रेड चिल्ली पाउडर का डाल रही हूँ, और आधा आधा टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर और 1 टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इन सभी को हम भून लेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए। मसालों को मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें ये मैंने 3 मीडियम आकार के टमाटर लिए थे, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। और टमाटर को हम भूनेंगे तेल छोड़ने तक। मसाले को हमने तेल छोड़ने तक भून लिया है। अब मैं इसमें मशरूम डाल दूंगी। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको ढक के पकाएंगे 5-6 मिनट के लिए, क्योंकि मशरूम भी पानी छोड़ देगी, इसलिए हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला। 5-6 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5-6 मिनट हो गए हैं, मशरूम हमारी पक गई है। एंड में मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का क्रश करके डाल दूंगी। प्याज जो हमने फ्राई किए थे वो वाले डाल देंगे। अब मैं इसमें ये मैंने दूध की मलाई ली है, आप अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, तो 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी। क्रीम डालने के बाद हम इसको ज़्यादा नहीं पकाना। लास्ट में हम हरा धनिया डाल देंगे, ये मैंने 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून हरा धनिया का डाल दिया है। मिक्स कर देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सर्व करेंगे सब्जी को। अब हम सब्जी को सर्व करेंगे एक डोंगे में। थोड़े से प्याज मैंने बचा लिए थे, जो मोटे मोटे प्याज हैं वो मैंने ऊपर से लगा दिए हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए, जब आप प्याज को पकाएं तो उसे तेज आंच पर बस थोड़ा सा ही ट्रांसपेरेंट करें, ताकि वो क्रंची रहे और सब्जी में घुले ना। थोड़े से हरे धनिया से हम इसे गार्निश कर देंगे। एंड में हम थोड़ी सी जो क्रीम है
उससे गार्निश कर देंगे। हमारा मशरूम दो प्याजा बनके तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। फ्रेंड्स आप भी इसी तरह बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।